क्वेश्चन है, देर इज अ वायर, देर इज अ वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, देर इज अ वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, सपोज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज म्यू, लेंथ ऑफ वायर इज एल, लेंथ ऑफ वायर इज एल, टेंशन इन वायर इज टी, और सपोज ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में, फंडामेंटल में ऑसिलेट कर रहा है, स्टैंडिंग वेव बन रही है इन अ वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रहा है, इज दैट फाइन? सपोज फाइंड द टू, फाइंड द टोटल एनर्जी, फाइंड द टोटल एनर्जी बिटवीन टू नोड्स। क्वेश्चन समझ में आया भाई? दो ही नोड होंगे इसमें फंडामेंटल में कर रहा है तो, और मैंने कहा भी था स्टैंडिंग वेव्स में क्या चीज कांस्टेंट होती है, एनर्जी। अब देखो यहां पर मैं कुछ अजम्पशन लेके सॉल्व कर रहा हूं, मैं अजम्पशन क्या लेके सॉल्व कर रहा हूं कि सपोज ट्रेवलिंग वेव की का जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। क्या अजम्पशन लिया? ये वाली जो ट्रेवलिंग वेव है इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, और जो ये वाली ट्रेवलिंग वेव है इसका एम्पलीट्यूड भी ए है। तो मैं क्या कह सकता हूं, जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा एंटी नोड का? 2a। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर क्वेश्चन वाला ये कह देता कि स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड ए है, तो ट्रेवलिंग वाली जो दो वेव जिनके सुपर पोजिशन से स्टैंडिंग बनी है उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है? a/2। ये हम पूरा कर चुके हैं स्टैंडिंग वेव के अंदर, ठीक है कि नहीं है? तो हमने ट्रेवलिंग का एम्पलीट्यूड ए माना है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, हम इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव लिख सकते हैं। हमें मालूम है एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या बनना चाहिए? नोड। तो वाई एक्स टी क्या नहीं लिखना चाहिए? 2a cos kx साइन ओमेगा टी नहीं लिखना चाहिए ना, क्योंकि इस वाले केस में तो एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है? एंटी नोड है। हमें बनाना है एक्स इक्वल टू जीरो पे नोड। तो ये गलत है, ये गलत है। हमें लिखना चाहिए था वाई एक्स टी इज 2a sin kx। देखो सेकंड टर्म से फर्क नहीं पड़ता, कॉस ओमेगा टी ले लो या साइन ओमेगा टी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो यही बता रहा है ना कि टी इक्वल टू जीरो पे सब अपनी एक्सट्रीम्स पे थे, और साइन साइन ओमेगा टी लिखूंगा तो टी इक्वल टू जीरो पे सब अपनी मीन पे थे। इज दैट फाइन? हमने कहा ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं 2a sin kx cos ओमेगा टी। इसका मतलब यहां पे स्टैंडिंग वेव्स कैसे बन रही हैं? ऐसे। इज दैट फाइन? ये वाला जो पॉइंट है एंटी नोड वाला, इसका एम्पलीट्यूड है 2a। अब मुझे टोटल एनर्जी बिटवीन टू नोड्स चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं एवरी पॉइंट इज डूइंग SHM, एवरी पॉइंट इज डूइंग SHM? क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से एक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो भी SHM कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। दिस एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 2a बेटा sin kx, 2a sin kx। इज दैट फाइन? अब जो यहां पर छोटा सा पॉइंट ले लें, ये SHM कर रहा है, ये SHM कर रहा है, सुनो सुनो। तो SHM में इसकी दो तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। हाँ या ना? वो x होता था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर, वो x जो होगा ना वो ये वाला x होगा, एक्चुअली वो y होगा। हाँ या ना? तो अगर कभी ये पॉइंट, अब अगर कभी ये पॉइंट यहां पर है तो उसकी एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख दोगे? हाफ एम वी को लिख दोगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? याद करेंगे काइनेटिक एनर्जी इन क्या बोलते हैं SHM कितनी होती थी? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। यू नॉट तो मानते नहीं थे, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी होती थी? हाफ के एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी यूज करो ना, यहां वाले की टोटल एनर्जी लिख देते हैं। यहां वाले की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? डी एनर्जी
टोटल, बी एनर्जी टोटल इज हाफ के एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर. अब तुम कहोगे ऐसा मैंने क्यों करके लिखा, क्योंकि हर एक पॉइंट की डिफरेंट टोटल एनर्जी होगी, क्योंकि इस वाले का तो एम्पलीट्यूड कम है, इस वाले का ज्यादा है, तो इस वाले की ज्यादा होगी, इस वाले की मैक्सिमम टोटल एनर्जी होगी, फिर इस वाले की एनर्जी टोटल कम हो जाएगी, इस वाले की और कम हो जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड छोटा होता जा रहा है. हाँ या ना, पक्का? तो मैंने कह दिया डी एनर्जी टोटल, छोटी सी एनर्जी टोटल इज हाफ के एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर. यहां तक का समझ में आ गया? हम ये कह सकते हैं डी एनर्जी इज हाफ के 2a साइन के एक्स का होल स्क्वायर. बेटा मैंने ऐसे लिख दिया, अब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ. ये के और ये के अलग अलग के हैं, ये के SHM वाला के है और ये के लैम्डा वाला के है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये के SHM वाला के, SHM वाला के क्या होता था, m ओमेगा स्क्वायर. अब यहां पर देखो हर पॉइंट को ऐसे सोचो. अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, हमने कहा ये वायर था फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इसमें स्टैंडिंग वेव बन गई फंडामेंटल वाली, एम आई राइट? हमने कहा यहां पर x पे dx एलिमेंट ले लो, यहां पर x पे dx एलिमेंट ले लो. इस dx एलिमेंट को हम ये कह सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड है a एज अ फंक्शन ऑफ x, और जो ये dx एलिमेंट है इसका मास भी है. इसका मास कितना है? dm. dm को लिख सकते हैं म्यू dx, मास पर यूनिट लेंथ इनटू में छोटी सी लेंथ. तो बेसिकली हम टोटल एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट दो. किसको काटा छोटे छोटे पार्ट्स में? पूरे वायर को. एक dm1 की एनर्जी लिख दो, हाँ या ना? फिर dm2 की एनर्जी लिख दो, dm3 की एनर्जी लिख दो, dm4 की एनर्जी लिख दो. तो जो ये वाला k है, ये SHM वाला k है, ये एक्चुअली क्या है? m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर. तो इसको लिख देंगे हाफ dm ओमेगा स्क्वायर. इज दैट फाइन? dm हो गया ये वाले का छोटे से पार्ट का मास, एम आई राइट? इंटू फोर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स. dm को लिख सकता हूं मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, यहां तक भी सही है. और फिर इसका कर दे समेशन, तो ये एनर्जी टोटल आ जाएगी. समेशन कहां से कहां तक करना चाहिए? वेरिएबल अब इसमें क्या है? एक्स. तो जीरो से एल बोल दो, जीरो से एल बोल दो, एक्स की वैल्यू जीरो से एल. या ये भी कह सकते हो जीरो से लैम्डा बाय टू, क्योंकि लैम्डा बाय टू इज एल, फंडामेंटल है. तो ये दो नोडों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय टू. लैम्डा बाय टू इज बेसिकली लेंथ, एम आई राइट? सो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2 ये 2 रह गया, 2a स्क्वायर म्यू, ये भी ठीक है म्यू, इनटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर भी ठीक है, ठीक है. उसके बाद इंटीग्रल बन जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स जीरो से एल. इज दैट फाइन? बाय द वे ओमेगा क्या चीज है सोच रहा हूं. ओमेगा, ओमेगा को लिख सकता हूं टू पाई फ्रीक्वेंसी. ओमेगा इज टू पाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टू पाई बाई टी होता था. तो इसे लिख सकता हूं टू ए स्क्वायर म्यू, ओमेगा स्क्वायर को लिख दिया टू पाई फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर. ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? फंडामेंटल. गॉट इट और नॉट? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी? एफ होता था सी बाय टू एल. गॉट इट और नॉट? तो हमने कह दिया टू ए स्क्वायर म्यू फोर पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर दैट इज सी का स्क्वायर अपॉन 4 एल का स्क्वायर. सी स्क्वायर अपॉन 4
एल का स्क्वायर। अभी इस इंटीग्रल को तो भूल ही गए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ। सी के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। देखो देखो, मास पर यूनिट लेंथ कटा, ये फोर भी कटा, तो ये क्या बच गया, ये बच गया टू ए स्क्वेयर पाई स्क्वेयर टी बाई एल स्क्वेयर, टू ए स्क्वेयर पाई स्क्वेयर टी बाई एल स्क्वेयर, इज दैट फाइन, साइन स्क्वेयर के एक्स डी एक्स। अब आधे बच्चे, इलेवेंथ वाले बच्चों को तो भैया इंटीग्रल पता ही नहीं होगा, वैसे मैंने करा चुका हूं मैं, क्योंकि साइन स्क्वेयर के एक्स इसको क्या लिख दो, वन माइनस कॉस टू के एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, जीरो से एल, जीरो से एल, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू। इसके बाद पहले वाला इंटीग्रल में तो आ गया एल बाई टू, इंटीग्रेट भी कर दिया, लिमिट भी डाल दी, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ डी एक्स बचेगा, तो ठीक है एल बाई टू बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा माइनस वन बाई टू कॉस टू के एक्स डी एक्स, कॉस टू के एक्स डी एक्स का इंटीग्रल बनेगा साइन टू के एक्स डिवाइडेड बाई टू के, कोफिशियंट से डिवाइड भी करना पड़ता है, साइन टू के एक्स डिवाइडेड बाय टू के। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो नाउ इज द टाइम टू आस्क कि भाई इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या होता था, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए, और रियली साइन के इंटीग्रल में माइनस कॉस आता था, कॉस के इंटीग्रल में साइन ही आता था। कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए, याद करें डिफरेंशियल के अंदर तो चेन रूल लगता था, और चेन रूल लगता था तो फिर मल्टीप्लाई होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि इस वाले को डिफरेंशिएट करते थे तो ये आता था, इस वाले को डिफरेंशिएट करते थे तो ये आता था, एम आई राइट? ओके, अब क्या करें, अभी अभी कहानी खत्म नहीं हुई, जीरो से एल, बेटा जो सेकंड टर्म है ना जीरो आती है, किस किस को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा, ये वाली पूरी टर्म जब लिमिट डालोगे ना तो जीरो आएगी, तुम्हें बिल्कुल फील नहीं आ रही, मैं भी करके दिखाता हूं, ये तो एल बाय टू हो गया, माइनस वन बाय फोर के हो गया, साइन ब्रैकेट लगा लो साइन टू के एल माइनस साइन टू के जीरो, साइन जीरो तो जीरो हो गया, और साइन टू के एल, अब यहां पर तुम करके देखो जरा, साइन टू के एल ये था साइन टू के, कितना था टू पाई बाय लैम्डा, ये सचम वाला नहीं रहा, ये लैम्डा वाला के था, सही है कि नहीं है, टू पाई बाय लैम्डा, और एल कितना था, एल कितना था लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा लैम्डा कट गया, टू टू कट गया, साइन टू पाई साइन थ्री सिक्सटी दैट जीरो, जीरो माइनस जीरो, सिर्फ एक टर्म बची एल बाय टू, एक टर्म बची एल बाय टू, तो ये टू से टू भी कट गया, एक एल से एल भी कट गया, तो ये हो गया ए स्क्वेयर पाई स्क्वेयर टी बाय एल, ए स्क्वेयर पाई स्क्वेयर टी बाय एल, दैट्स योर आंसर। अब बुक के अंदर जो आंसर लिखा है वो ये नहीं है, उसमें आंसर में नीचे फोर लिखा है, वन बाय फोर, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि मैंने ए एम्पलीट्यूड लिया था ट्रेवलिंग वेव का, और जिनका सुपर पोजिशन किया तो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड था 2a, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड a था, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड a था, समझ में आ रहा है, तो हमारे वाले जो a है उसकी जगह किससे रिप्लेस करना चाहिए, a बाय 2 से,
तो ए बाई टू से रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वेयर पाई स्क्वेयर टी बाई फोर एल, लेकिन यहां पर फिर ये एम्पलीट्यूड ए क्या है, ये स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड है ना कि ट्रेवलिंग वेव का, और मैंने जो प्रूव किया वो ट्रेवलिंग वेव के एम्पलीट्यूड को ए मान के किया है। रिजल्ट तो याद करना ही नहीं है, क्वेश्चन है, इट्स अ क्वेश्चन, इट्स नॉट अ रिजल्ट, इट्स अ क्वेश्चन, मतलब दिस इज नॉट समथिंग यू कैन रिमेंबर, मतलब अपार्ट फ्रॉम द नीट गाइस दे कैन रिमेंबर एनीथिंग, ओके, सो दे हैव ग्रेट कैपेसिटी टू मगअप थिंग्स, ओके। सो हाँ, क्या बता रहा था, भूल गया। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एम्पलीट्यूड ए माना था ट्रेवलिंग वेव का, स्टैंडिंग का एम्पलीट्यूड टू ए माना था। उन्होंने यहां पर जो क्वेश्चन दिया बुक में, उन्होंने यहां पर 2a cos kx sin omega, ये 2a sin kx cos omega t नहीं माना, उन्होंने कहा a sin kx cos omega t। तो जहां पर मेरा a आया है वहां पर a by 2 लिखना चाहिए, so that the जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बन जाए, या तो मैं स्टार्ट इससे करता, इज इट फाइन, आ गया है समझ में, नहीं आ गया, गाइज माय बैड, यहां पर प्लस हुआ, यहां पर प्लस हुआ, और साइन वाले में माइनस कॉस होगा, ठीक है, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।